नमस्कार दोस्तों, अभी इस वक्त जनपद सीतापुर में मौजूद हैं। सेवता विधानसभा से समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक भी रह चुके हैं महेंद्र सिंह जीन बाबू। अभी जो इंडिया गठबंधन और बीजेपी में लोग कह रहे हैं टक्कर चल रही है, लेकिन आपके हिसाब से क्या लग रहा है? सरकार बनाने जा रहे हैं, सरकार बनाने। अच्छा, ये जो भाजपा का 400 पार का जो नारा था, वो क्या लग रहा है कि पार जाएगा या फिर? जैसे सेवता विधानसभा में 1.5 लाख पार का नारा था, वैसे ही ये देश में माननीय मोदी जी का 400 पार का नारा है। तो यहाँ भी हम लोग हो सकता है 1.5 लाख पार हो जाएं। उन्होंने गलती से कह दिया अपने लिए, लेकिन था वो हम लोगों के लिए। तो कांग्रेस 1.5 लाख पार हो गई। अच्छा, ये जो हवा है, कहीं रुझान नहीं पता चला और वोटर जो थे वो चुप्पी बांधे बैठे थे, कहीं से लगा नहीं कि कांग्रेस की जो है हवा चली है, लेकिन फिर भी जो है इतने बहुमत से जो गठबंधन प्रत्याशी हैं राकेश राठौर, वो आगे जा रहे हैं। जब तूफान आता है तो तूफान के पहले शांति होती है। अब की जनता खामोश थी, उसका मुंह बंद था, जो कुछ था दिल में था। और जब वोट देने का अवसर आया, बटन दबाने का मौका आया, बीच में वो कहाँ चला जाए। जब मौका आया, कितने तारीख को वोट पड़ा था? 13 मई। 13 मई को पड़ा था। तो 13 मई को जब उसको अवसर मिला वोट देने का, तो उसने 10 सालों का जितना भी खामियाजा था सब इनको भुगता दिया, पूरा बदला ले लिया। जितना वो परेशान हो गए थे, उससे ज़्यादा इनको परेशानी दे दी। एक तो आए ही नहीं है जो 1.5 लाख पार का नारा दिए थे, और 400 पार वाले उनको भी हमारे अजय राय जी, जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने कम से कम अभी एक बार तो हरा ही चुके हैं एक राउंड में। बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री पहले ही राउंड में हार जाए। तो ये खामोशी थी, तूफान की आहट तरीके से जनता के बीच में बेरोजगारी महंगाई को लेकर के लगातार इंडिया गठबंधन ने बात कही है, और एक संविधान को खतरे में बता करके ये भी बात जो है ट्रेंडिंग में थी काफी लोगों में, ये कौन सा जो है नुकसान काम आ गया जनता के बीच? वो खुद कहते थे, हम लोग तो कहते ही थे, ये भाजपा के लोग भी कहते थे कि संविधान बदला जाएगा, उनकी भी जबान नहीं है, तो पुष्टि तो वही कर रहे थे। हम लोग जो कह रहे थे उसी बात की पुष्टि वो कह रहे थे। आरक्षण खत्म करने की बात तो अमित शाह यहाँ कह गए थे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये आरक्षण समाप्त करने के लिए और ये संविधान को बदलने की बात, ये आम चर्चा बन गई थी लोगों के बीच में, घर घर तक ये आवाज़ पहुँच गई थी। अब संविधान को ये बदलने वाले कौन हैं? तो जब संविधान को बदलने की इन्होंने तैयारी की, तो जनता ने इनको बदल दिया। सीतापुर सीट से ही लग रहा है या फिर प्रदेश की सरकार, केंद्र की सरकार ही बनाने का जो मन में सपना है, या फिर जनपद सीतापुर की सिर्फ सीट? सीतापुर की सीट जो है वो हमारे लोगों के लिए प्रतिष्ठा की बात थी, और सरकार बनाना हम लोगों के लिए कर्तव्य की बात है, क्योंकि देश बचाना है, संविधान बचाना है, तो इस देश में सरकार कांग्रेस पार्टी की होनी चाहिए, गठबंधन की होनी चाहिए, तभी ये देश बचेगा, तभी ये संविधान बचेगा। और जनपद सीतापुर का जहाँ तक सवाल है, सीतापुर लोकसभा का, वो हम लोगों की प्रतिष्ठा से जुड़े अपने परिवार का मामला था, जिसमें हम चाहते थे कि हमारा परिवार का जो भी व्यक्ति आए सामने, उसको हम भारी मतों से जिता कर यहाँ से भेजें। तो बीजेपी का एक अभी जो है एक मैंने देखा था जो पत्र लिखा है कि सपा वाले जो है दंगा फसाद करने के मूड में है, क्या ऐसा कुछ था? हम लोग कहाँ, वो गाड़ी छोड़ के आए, हम चल पाते नहीं, बड़ी मुश्किल चल पाते हैं, गाड़ी नहीं आने दी यहाँ तक, दंगा फसाद करने जाएंगे? हमारे तो एक डंडा पड़ जाएगा तो हम तो लंबे लंबे लेट जाएंगे। जो टीवी चैनलों के द्वारा जो एग्जिट पोल दिखाया गया था, तब उस समय क्या लग रहा था? एग्जिट पोल वैसे था, बताया तो हमने कि मतलब भाई इनके जब सारे जुमले ही सारी चीज़ें हो गई, तो एक जुमला उसमें और जुड़ गया, तो ये तो जुमलेबाजी थी। ये इसकी पुष्टि अमित शाह जी ने की है कि वो तो जुमला है, चुनाव में कहा जाता है, तो ये भी जुमला था जो उन्होंने चुनाव में कहा। जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे और अपने प्रत्याशी के लिए क्या कुछ तैयारियां की?
प्रत्याशी को तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, हमारा छोटा भाई है, मैं दिल से उसके साथ में था, आवाज से नहीं, हमारा उनका 40-45 साल का साथ रहा है और मैं उनको बधाई देता हूं, उनके साथियों को सबको बधाई देता हूं, जनता की के वोट से और कार्यकर्ताओं के सपोर्ट से ये चुनाव जीता गया है। ये जनता महान है, वो कार्यकर्ता महान है, उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। ये सरकार अकेले हमारी नहीं, ये पूरे जनता की और कार्यकर्ताओं की, सबकी सरकार या जो सांसद बने हैं ये उन्हीं की बदौलत सारी खुशी आज हम लोग को मिल रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये कूलर के साथ डाटा सब ये कूलर के ये बड़ा ये वाला कूलर आता है। ये 25 तब तक की तरह लो तब तक कूलर दे दे रहा हां।